हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर डार्क, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट इन IGMC शिमला। और आज मैं आपको लेके आया हूँ IGMC बॉयज़ हॉस्टल के टूर पर। और इस वीडियो में मैं आपके हॉस्टल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, सो बने रहिए एंड तक। वैसे तो कहने को ये एक हॉस्टल है, बट अब ये मेरा घर बन चुका है। IGMC शिमला बॉयज़ हॉस्टल, सिचुएटेड इन संजौली शिमला। तो चलिए शुरू करते हैं हॉस्टल का टूर। सबसे पहले आता है हॉस्टल का गेट, जो रोज़ रात को 10 बजे बंद हो जाता है सिर्फ बाइक और कार्स के लिए, लेकिन आप तब भी इससे अंदर आ सकते हैं। और गेट के साथ में ही होता है गार्ड भैया का रूम। और ये है हमारे गार्ड भैया, जो बड़ी तैनाती से अपने कमरे पर बैठ कर सारे बच्चों को डराते रहते हैं, और टाइमिंग से आने पर मजबूर करते हैं और 10 बजे रात को गेट बंद कर देते हैं। और ये है हमारा मिनी गार्ड, जिससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, वरना ये आपको अंदर नहीं घुसने देगा। तो IGMC के बॉयज़ हॉस्टल में मेनली दो बिल्डिंग्स हैं। पहली बिल्डिंग रमन हॉस्टल, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर शरीफ बच्चे रहते होंगे रमन जैसे। और दूसरी बाबा हॉस्टल, बाबा हॉस्टल में बाबे बंदे रहते हैं। तो पहले टूर शुरू करते हैं रमन हॉस्टल का। तो जैसे ही हम रमन हॉस्टल में जाते हैं, हमें सबसे पहले दिखता है ये, और इसके बाद साथ में यह है हमारा जिम। बट जिम में जाने के लिए आपको ये ताला खोलना होगा, जिसकी चाबी गार्ड भैया के पास होती है, तो आप उससे अपने नाम पर इशू करा सकते हो। तो हमारे हॉस्टल के जिम में ऑलमोस्ट सारे टाइप के बेंचेस प्रेजेंट है। यहाँ छोटे वेट्स के साथ साथ बड़े वेट्स भी मिल जाते हैं। और यह है हमारी मल्टीपर्पज मशीन। और यह है जिम के स्पीकर्स, जो अल्ट्रा प्रो मैक्स सिक्योरिटी के साथ रखे हुए हैं, जिससे हॉस्टल के प्राणी इसे अपने घर न ले जाए। ओह लुक, हु इज ही? दिस इज मी। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डार्क। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिम के साथ में ही आ जाता है रमन हॉस्टल का कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से निकलते ही राइट साइड में हमें दिखती है एक जेल। हाँ, एक जेल जिसमें सिर्फ जंगू बच्चे रखे जाते हैं, जंगू यानी फर्स्ट ईयर के बच्चे। और ये बच्चे सिर्फ 7 से 9 बजे के बीच ही खोले छोड़े जाते हैं, रात को इनको बंद कर दिया जाता है। और ये जंगू फ्लोर सिर्फ रमन हॉस्टल में है, भाभा में नहीं। तो उस हिसाब से सिर्फ 24 से 27 जंगुओं को ही फर्स्ट ईयर में रूम अलॉट होता है, और वो भी मेरिट बेस पर। ऑल इंडिया से आने वाले बच्चों के लिए 3 रूम अलग से बचाए होते हैं। और जिनको हॉस्टल में रूम नहीं मिलता, वो बाहर PG ले लेते हैं और 6 महीने बाद फिर से हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं रमन हॉस्टल की मेस में। वैसे तो दोनों ही हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर मेस है, लेकिन जंगों के लिए स्पेसिफिक इस मेस में खाना खाना होता है, क्योंकि वाली मेस सारे सीनियर से भरी होती है। और इस मेस की अगर रेट लिस्ट देखें तो बहुत ही सस्ता खाना होता है यहाँ। आप इस मेस में 35 रुपये में पेट भरकर थाली खा सकते हैं। आप जितनी मर्जी उतनी सब्जी ले सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी चपाती खा सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पर, जहाँ है हमारा बॉयज़ कॉमन रूम। बट इसमें भी ताला लगा है, तो इसे भी पहले खोलते हैं। BCR में लगा है 2 सोफा और 1 टेबल टेनिस। और जब आप खेल खेल कर बोर हो जाएं, तो आप BCR की विंडो से देख सकते हैं व्यू। मैं आपको लेकर आया हूं थर्ड फ्लोर की बालकनी पर, जहां से आप फिर से देख सकते हैं ढेर सारा व्यू। तो ये था रमन हॉस्टल। अब चलते हैं भाभा हॉस्टल की तरफ, जहां मेरा भी रूम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बर्फ पिघलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये लास्ट वीकेंड पड़ी थी। और ये जाली जो आप देख रहे हैं, ये बाहर से आने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये अंदर जो प्राणी है उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए है। और ये है हॉस्टल का बास्केटबॉल कोर्ट, जहाँ पर बास्केटबॉल नहीं क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ सारे नेट तोड़ दिए हैं। और ये देख सकते हैं आप, हॉस्टल की 5 फ्लोर
पूरे यहाँ से दिखते हैं नीचे से, बट अब ये बास्केटबॉल कोर्ट पार्किंग का एक अड्डा बन चुका है जहाँ आप अपने रिश्तेदार का ट्रैक्टर तक खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शिमला में पार्किंग नहीं होती है भाई। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं कि भाभा हॉस्टल के अंदर क्या है। तो जैसे ही हम भाभा हॉस्टल के अंदर घुसते हैं, हमें ग्राउंड फ्लोर पर फिर से देखने को मिलता है ये बोर्ड, और इसके बाद सामने दिखते हैं हमें अपने लॉन्ड्री वाले भैया, जिनसे आप कपड़े धुलवा सकते हैं, जो आपको रूम सर्विस देते हैं। जब हम भाभा के सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, तब हमें दिखती है भाभा की मेस, जहाँ पर आप कुछ भी बनवा कर खा सकते हैं। आपको जो मन करता है वो इनको ऑर्डर दीजिए, ये आपको रूम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपके रूम पर खाना छोड़ कर जाते हैं। अब चलते हैं भाभा हॉस्टल के थर्ड फ्लोर पर, देखते हैं वहाँ क्या है। तो थर्ड फ्लोर पर फिर से रमन की तरह बॉयज़ कॉमन रूम, जहाँ फिर से टीटी टेबल लगा हुआ है भाभा हॉस्टल के बच्चों के लिए। दोस्तों अब चलते हैं भाभा हॉस्टल के फोर्थ फ्लोर पर। तो जो भी डिटेल्स मैं इस फ्लोर के बारे में बताऊंगा वो पूरे हॉस्टल में सेम है। तो हमें बाहर वाले वॉशरूम के लिए मिलती हैं दो टॉयलेट। हॉस्टल के हर फ्लोर पर 24 रूम्स होते हैं। जंगू फ्लोर को छोड़कर सारे फ्लोर्स पर मिक्स बच्चे रहते हैं, यानी सीनियर और जूनियर बैच से दोनों से ही बच्चे रहते हैं। और आपको एक बार अगर रूम मिल जाता है जंगू बैच के बाद, तो आप उस रूम को पूरे लाइफ स्पैन MBBS के लाइफ स्पैन में कंटिन्यू रख सकते हैं। और हर फ्लोर के एंड पे हमें मिलता है एक कॉमन वॉशरूम, जो थोड़ा बड़ा होता है। इस कॉमन वॉशरूम में हमें मिलते हैं 3 बाथरूम्स, 1, 2 एंड 3, और हमें साथ में मिलती हैं 3 टॉयलेट्स। नाउ आई विल शो यू माय रूम, व्हिच इज रूम नंबर 402। लेट्स कम। सो दिस इज माय रूम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना छोटा रूम है, तो देखो भाई, 2000 रुपये पर मंथ में इतना ही मिलता है, और सिंगल रूम मिलता है फर्स्ट ईयर से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये है मेरा रूम, ये है इसका गेट, यहाँ से हम एंटर होते हैं, और सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है शू रैक, फिर यहाँ पर थोड़े से सामान रखने की जगह जो मैंने खुद लगाई है, और मुझे एक छोटा सा मिरर भी लगा है, आप बड़ा लगा सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें। ये बहुत छोटा रूम है, और छोटे रूम के हिसाब से मैंने अपने सामान को एडजस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें लगाई हुई। वहाँ मेरा गिटार रखा होता था, जो हॉस्टल के प्राणी ले गए, अब मुझे वो कभी नहीं मिला उसके बाद। तो पर आपको जो हॉस्टल से मिलता है वो क्या मिलता है, आपको मिलता है एक ये रैक, एक शू रैक, और मिलता है आपको बेड, एक चेयर, एक टेबल और एक बुक रैक। बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने आप से लगाई हुई हैं, जितना भी आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं इसको। तो ये सारा मैंने किया था जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ करने के लिए था, वो मैंने अपने हेलमेट रखने के लिए। बाकी आपको एक स्लैब मिलता है, एक अलमारी मिलती है, और आपको मिलता है एक बहुत ही शानदार नज़ारे वाली विंडो, जिसको मैं खोलने वाला हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है वो समझो लिए, ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं नज़ारा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर डाउट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना छोटा रूम है, इसमें कैसे कोई रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी कॉलेज में, वहाँ आपको रूम शेयर करना पड़ता है हॉस्टल्स में, या तो वो 3 बेड शेयर होता है या 2 बेड शेयरिंग होता है। पर IGMC में आपको फर्स्ट ईयर से ही सिंगल रूम मिलता है, तो ये उसके लिए एक बेनिफिट है कि आप सिंगल रूम, आपकी प्राइवेसी, आप जब चाहे जो कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये उसको काउंटर पार्ट कर देता है अगर आपको छोटा लगता है। बाकी अगर प्राइस की बात की जाए, तो जो हॉस्टल की टोटल फीस है एक ईयर की, वो है 24,000, यानी 2,000 पर मंथ। उसमें इंक्लूडेड है आपके पानी का बिल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जिसमें आप पूरे 24 घंटे हीटर चला सकते हैं जब आपका मन करता है, लेकिन अगर आपको वार्डन सर ने पकड़ लिया तो उसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर वैसे तो कभी ऐसा कुछ फ़ाइन वगैरह होता नहीं है। फ़ाइन आजकल जब से नए सर आए हैं तब से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सब कुछ, हॉस्टल में पार्टीज़ भी कम हो गई है, मैंने भी अपने स्पीकर बजाने कम बंद कर दिए। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैस का बिल आता है वो कितना आता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खाते हैं और आप क्या खाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं यूजुअली आता था तो मैं पनीर भुर्जी बहुत खाता था। अब पनीर भुर्जी तो उसका प्राइस होता था कुछ 50 के अराउंड ना, तो 50, और फिर बाकी रोटी 5 रुपये की पड़ती है, तो
तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके खुद लगा सकते हैं। तो जो मिनिमम बिल आता है वो शायद 1,500 के अराउंड आता है, और मैक्सिमम 5,000 भी जा सकता है अगर आप तीनों टाइम यहाँ पर खाना खा रहे हो। और तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कि आप बाहर खा रहे हो या अंदर या मैस में यहाँ पे खा रहे हो। एंड नेक्स्ट इज कॉलेज कैंपस यहाँ से कितना दूर है। तो कॉलेज कैंपस जाने में मिनिमम 8 मिनट लगते हैं अगर आप यहाँ से शॉर्टकट से जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है और वो नीचे थोड़ा निचली पहाड़ी पर है। और अगर आप थोड़ा टहलते हुए जाते हैं तो आपको 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको अगर रखनी है तो बाइक रख सकते हैं, आप गाड़ी रख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और रही बात पानी की, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार शिमला में, जब पूरे शिमला में पानी ख़त्म हो गया था, तो सिर्फ हॉस्टल IGMC बॉयज़ हॉस्टल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी आ रहा था। तो यहाँ पर पानी की इतनी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे पानी जो नॉर्मल डेज पर आता है वो आता है कि यहाँ पर 7 बजे से पानी छोड़ देता है, जो यहाँ के कंट्रोलर है 7 बजे से छोड़ देते हैं, और वो 11-12 बजे तक रहता है पानी, बाकी फिर शाम को 4 बजे से 9 बजे तक रहता है। बट पहले जब ऐसा होता था कि पूरे दिन पानी आता था, लेकिन बच्चे वेस्ट बहुत करते थे, इसलिए टाइमिंग रख दी गई है। एक क्वेश्चन ये भी था कि शिमला में बहुत ठंड होती है तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी प्लेन से आया हूं, मुझे सिर्फ आए हुए यहाँ पे 4 से 4.5 साल हुए, लेकिन मैं भी अडेप्ट हो गया हूं। तो अडेप्ट हो जाता है यहाँ पे आके। और शायद तुम्हारी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न होगा कि अगर तुम IGMC शिमला चूज़ करते हो, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तो इसको अपना घर मानने लगा हूँ। क्योंकि लोग शिमला घूमने आते हैं बट तुम यहाँ रहते हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगती है वो यही लगती है कि मैं इतने सस्ते में यहाँ पर अपनी लाइफ जी रहा हूँ। और फिर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मार्केट कितना दूर है, तो मैं आपको भी ले चलता हूँ। यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है मार्केट के लिए, जो मेन संजौली चौक जिसको बोलते हैं हम लोग, संजौली मार्केट है, वहाँ से आपको सारा सामान मिल जाएगा आपको जो ख़रीदना है। आप अगर नए आते हो तो आपको गद्दे अगर ख़रीदने हैं तो वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गद्दे प्रोवाइड नहीं करते, गद्दे आप अपने लेंगे, आप रजाई आपको लेंगे तो वो आपको अपनी लेनी पड़ेगी, बाकी जो भी सामान लेना होगा वो आपको अपना लेना पड़ेगा। तो जो हॉस्टल का खर्चा आएगा वो मेनली आपका क्या आएगा, एक बार आपने फ़ीस जमा कर दी उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कुछ करना चाहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके खाने का खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर मैं आपको लाया हूँ मार्केट में, जो हॉस्टल से 5 मिनट की दूरी पर है। इस मार्केट को बोलते हैं संजौली मार्केट, खुद ही देख लो मार्केट। हेलो ब्लैकी, हे ब्लैकी, हे ब्लैकी, इज माय फ्रेंड फ्रॉम हॉस्टल। हेलो ब्लैकी, बाय बाय ब्लैकी।